नवंबर महीना शुरू होंदे ही सिखा दे अल्ले जखम फिर तो हरे हो जाते जो 1984 च दिल्ली सिख नसलकुशी दौरान सिखा नूं दित्ते गए सन। एक दर्द सिखा दे सीने विच उठना शुरू हो जाता है। होवे भी क्यों ना, यह तो वह वेला सी जदों इंदिरा गांधी की हत्या मगरों सिखा नूं चुन चुन के मौत दे घाट उतारिया गया। सिखा दे गलां विच जल दे टायर पाए गए, पर अफसोस कि इस दे बावजूद सिखा नूं अज 40 साल मगरों भी इंसाफ नहीं मिल सकया। देखो ये साडी खास रिपोर्ट। नवंबर 1984 दे सिख नसलकुशी दे हमलिया नूं वापरिया भावें अज 40 वरे बीत चुके ने, पर अज भी नवंबर दा महीना शुरू हुंदिया ही इस कतलेआम दे शिकार होए लोकां दे जखम हरे हो जांदे ने। पूरे एक युग वर्गा यह समा सिख नसलकुशी विच मारे गए सिखां दीआं विधवावां, यतीम बच्चां, मावां अते हर सके संबंधियां ने किवें बिताया होवेगा, इस बारे सोच के हर किसी नूं कंबणी जिही छिड़ जांदी है। इन्हां विचों बहुते तां अजिहे वी ने जिन्हां नूं आखरी वार अपने करीबियां दा मूँह देखणा तक नसीब नहीं हो सकिया, क्योंकि कातलां वल्लों जिंदा साड़े गए इन्हां सिखां दी सुआह तक भी नहीं सी जालमां ने रहण दित्ती। सैकड़े सिख औरतां नूं शरेआम बेपत किया गया, जिस दे जखम सीने विच लै के वह अज भी इंसाफ की उड़ीक कर रही ने। खून दे हंजू रोंदियां इन्हां मावां दे हंजू मुक चुके ने, पर सरकारां दे लारे अजे तक खत्म नहीं होए। हाले भी सिखां नाल यह जालमाना करतूतां करन वाले बहुत सारे मुलजम दंदनाउंदे फिरदे ने। भावें कि सिखां वल्लों इस नसलकुशी का इंसाफ लैण लई पिछले 40 सालों तो ही भारतीय अदालतां दे दरवाजे खड़काए जा रहे हैं, पर लंबे समय बाद चंद लोगों जेल में डक के महज सिखां दे हंजू पूंजण की कार्रवाई की गई है, जबकि सिखां दे बहुत सारे कातल अजे भी खुलेआम घूम रहे हैं अते चंगे अहुदिआं दा सुख माण रहे हैं। सिखां नूं इस नसलकुशी का इंसाफ तां की मिलना सी, बल्कि सिखां नूं इस काले इतिहास नूं भुल्लण दी नसीहत जरूर दित्ती गई। उच्ची पहुंच वाले इन्हां कातलां दा अजे तक कोई कुछ नहीं विगाड़ सकिया, शायद वह तां खुद नूं पहलां ही बरी मन्नी बैठे ने, पर सिखां दी अदालत विच इह सारे अजे भी दोषी ने अते इन्हां विरुद्ध जंग अजे भी लड़ी जा रही है। सिखां नूं कांग्रेस पार्टी कोलों इस दा इंसाफ मिलण दी आस नहीं सी, जिस करके उन्हां ने भाजपा तों इंसाफ दी उम्मीद जताई अते इंसाफ दी आस लई भाजपा दे भाईवाल रहे श्रोमणी अकाली दल दा साथ दिता। इस दौरान केंद्र विच अटल बिहारी वाजपेई दी अगवाई च भाजपा दी सरकार भी बनी, पर फिर भी सिखां कातलां नूं किसे ने हथ पाउण दी कोशिश नहीं कीती। राजधानी दिल्ली विच आम आदमी पार्टी दी सरकार तों पहलां लंबा समा कांग्रेस दी सरकार रही, पर सिखां नूं फिर भी इंसाफ नहीं मिल सकिया। यही हाल पंजाब विच रहा है। इत्थे 1985 विच सुरजीत सिंह बरनाला दी अगवाई च अकाली सरकार बनी, 1997 च बादलां दी अकाली सरकार बनी, 2007 च फिर अकाली दल दी सरकार बनी जो लगातार 10 साल तक रही, पर इस दे बावजूद अकालियां ने कदे इस चैप्टर बारे गंभीरता नहीं दिखाई। जेकर सिखां दी सरमौर संस्था श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की गल करिए, तो संगतां दे दबा हेठ घल्लू घारियां नाल संबंधित दिवसां नूं दब्बे घुट्टे साहां नाल मना के बत्ता सार दिंदी है। गल करिए सिखां दी सर्वोच्च अदालत श्री अकाल तख्त साहब दी, तां उत्थों बिना पीड़ित सिखां नूं कदे ठंडी हवा नहीं आई। सियासी दबा हेठ रहण वाले जथेदारां ने कदे सिख पंथ दे मसलियां बारे डट के आवाज़ बुलंद तां की करनी सी, सगों पंथ दुखियां नूं मुआफ़ी तक दे दित्ती गई। पीड़ित अपनी गुहार लै के जाण तां जाण कित्थे। 31 अक्तूबर 1984 च इंदिरा गांधी की हत्या मगरों 1 नवंबर की शाम तक पूरी दिल्ली धुआं धार हो चुकी सी, अते ए धुआं कोई पराली साड़े जाण दा नहीं सी, बल्कि कातलां वल्लों सिखां अते सिखां दे कारोबार साड़े जा रहे ने। हर पासे तो लाशां दी सड़न दी बदबू आ रही सी, ना कोई पुलिस अते ना ही फौज सिखां दी मदद लई उस समें कोई नहीं बढ़िया। जदों तक फौज पहुंची उदों तक जालम दंगाकारियां ने सिखां दीआं लाशां दे अंबार लगा के रख दित्ते सन। इह मंजर किन्ना खौफनाक सी, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਖੌਫਨਾਕ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਅੱਖੀ ਤੱਕਿਆ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ 'ਤੇ ਹੰਢਾਇਆ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਅੱਜ ਵੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰੂਹ ਕੰਬ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਂਝ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਇਨਸਾਫ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ 84 ਪੀੜਤ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
जबकि बहुत सारे सिख तो इंसाफ मंगद इस दुनिया तो कूच कर गए हैं। पता नहीं सिखा 84 की इस नशलकुशी का इंसाफ कदों मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हमदर्द टीवी।